Hello everyone. Today we are starting with chapter contract costing. Contract costing एक specific order costing है और आपने अभी तक जो costing पढ़ी है वो थी unit costing. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि unit costing में और specific order costing में क्या अंतर होता है. आपने company का नाम सुना होगा रोटोमैक जो pen बनाती है और बोलती है लिखते लिखते लव हो जाए. ये कंपनी साल भर में लाखों करोड़ यूनिट पेन की बनाती है. पता है लागत कैसे निकालती है एक यूनिट की, कि एक यूनिट ऑफ पेन कितने का पड़ता है उनको. फिर वो अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं और उसे बेचते हैं. स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है? मैंने रोटोमैक कंपनी में बात की और उनसे कहा कि मेरे लिए आप 1000 यूनिट पेन की बनाइए या 10000 यूनिट पेन की बनाइए और उस पे स्टडी एट होम लिखिएगा. रोटोमैक मत लिखिएगा, स्टडी एट होम लिखिएगा, उसका लोगो लगाइएगा और कुछ स्पेसिफिकेशन भी मैंने चेंज की. मैंने कहा आप जो उस पे ढक्कन लगाते हो ना, उसमें जो मटेरियल यूज करते हो उसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है. मेरे पेन में ढक्कन की कैप की पेन के आप क्वालिटी थोड़ी सी लो कर लेना, ठीक है. कुछ हमने चेंजेस भी किया, मॉडिफिकेशन भी उनको बताया और उनको बताया कि रोटोमैक की जगह क्या लिखना है, उस पर स्टडी एट होम लिखना है. और उनको मैंने 1000 यूनिट का ऑर्डर दिया. तो अब पता है वो एक यूनिट की कॉस्ट नहीं निकालेंगे, उन्हें मुझे 1000 यूनिट ऑफ पेन देनी है. वो पूरे लॉट की कीमत निकालेंगे कि 1000 यूनिट ऑफ पेन बनाने की क्या लागत है, राइट. तो जब एक पूरे लॉट की, एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत निकाली जाती है तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. आई एम रिपीटिंग अगेन, यूनिट कॉस्टिंग क्या है? जब एक यूनिट की लागत निकाली जाती है. और एक यूनिट की लागत कब निकाली जाती है? जब कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में बेचती है. कस्टमर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में बेचती है. स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है? जब हम कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लेते हैं, हम अपने हिसाब से माल नहीं बनाते, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल बनाते हैं. तो कस्टमर मुझे जितना कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम देता है, मुझे 1000 यूनिट का ऑर्डर देता है, तो हम 1000 यूनिट की एक साथ कीमत निकालते हैं. तो इसे कहा जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. ध्यान दीजिएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अभी नहीं बता रहा. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. तो पहले चर्चा कर रहा हूं कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है. तो क्लियर है यहां तक की बात? अभी तक हम लोग कर रहे थे यूनिट कॉस्टिंग, जहां पे एक यूनिट की कीमत निकाली जाती है, कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और एक यूनिट की कीमत निकालती है. स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वो होती है जहां पे कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अपनी बताता है, कंपनी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल बनाती है और कस्टमर ने जिस साइज का ऑर्डर दिया है उस पूरे साइज का एक बार में लागत निकालती है. क्लियर है इतनी बात? आइए अब नोट करते हुए साथ में बात करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. And what is this contract costing? I have told you contract costing is an specific order costing. आप भी मेरे साथ साथ नोट करेंगे contract costing क्या है, कि specific order costing है. Okay? और आपने अभी तक जो पढ़ाई की थी वो क्या थी? Unit costing. Specific order costing अपने आप में दो प्रकार की होती है. Contract costing is a type of specific order costing. अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. वैसे तो दो प्रकार की होती है जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है. स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग दो प्रकार की होती है. वन इज शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन, और दूसरी लॉन्ग ड्यूरेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग किसे कहते हैं? जहां पे जो मुझे ऑर्डर मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता है, जो जॉब मुझे मिलता है, वो एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है. कस्टमर ने मुझे स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, अपनी रिक्वायरमेंट बताई और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में अगर एक साल तक लगेगा तो हम उसे शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं. मतलब इट टेक्स अप टू वन ईयर to complete task.
लॉन्ग ड्यूरेशन क्या है? इट टेक्स मोर देन वन ईयर टू कंप्लीट टास्क. शॉर्ट ड्यूरेशन की जो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है उसे कहा जाता है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, राइट? एंड स्टूडेंट, ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है ना, इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या चीज है, कहां पे यूज होनी है. क्लियर है इतनी बात? जहां पे एक साल से अधिक लग जाता है, मतलब कस्टमर ऐसी रिक्वायरमेंट बता रहा है जिसे बनाने में एक साल से अधिक लग जाएगा, अब ये क्या चीज होता है? जो कॉन्ट्रैक्टी है, जिसको टास्क करवाना है अपना, वो कहता है मॉल बनाने को. पता है, कोई अगर मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देगा मुझे तो मुझे एक साल से अधिक लगेगा बनाने में. कोई मुझे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने को कहता है, कोई मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने को कहता है, तो ये एक साल से लंबा समय लगने वाला कॉन्ट्रैक्ट है. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दिस इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. और यहां पर जो टेक्निक अप्लाई होगी वो होगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. और भी चीजें होती है, ऑयल रिग्स. ऑयल रिग्स समझते हैं आप? ये बड़ा वाला जहाज है जिसपे ड्रिलिंग के, पेट्रोल डीजल की ड्रिलिंग के पूरे अपरेटस होते हैं. आप ऐसे समझ लीजिए, ये जहाज पे, समुद्र के जहाज पे चलता फिरता एक शहर है. इतना बड़ा होता है ऑयल रिग. एक ऑयल रिग क्या करती है, समुद्र में जाती है, करीब उसपे 150-200-250 वर्कर्स होते हैं. पूरा पेट्रोल ड्रिलिंग का एपरेटस होता है, वो समुद्र में जाके पेट्रोल डीजल निकालते हैं, पूरा ड्रिलिंग का एपरेटस होता है. और ये जब ऑयल रिग जाती है ना समुद्र में, तो 2-4 दिन के लिए नहीं जाती है, ये जाती है तो 60-70 दिन तक 100 दिन तक लगातार काम करेंगे. तो आप सोचिए, 100-100 दिन तक 200-200 लेबर का, 250 लेबर का खाना पीना सब कुछ होता है उसपे, राइट? तो इतनी सारी चीजें, ये आप ऐसे समझ लीजिए इतनी बड़ी स्टेप है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये चलता फिरता एक शहर है, ठीक है? या फिर अगर चलता फिरता शहर नहीं कहो तो एक छोटा गांव तो कह ही सकते हैं कि चलता फिरता समुद्र पे एक छोटा गांव है. ये होती है ऑयल रिग्स. अच्छा, एक बात और बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑयल रिग कितनी बड़ी चीज है. हमारी किसी भी हिंदुस्तान की कंपनी के पास ऑयल रिग अपना नहीं है. किसी भी हिंदुस्तानी कंपनी के पास, पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनियों के पास ऑयल रिग अपना नहीं है. हमारे पास बड़ी बड़ी पेट्रोल डीजल वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जिसमें एक रिलायंस भी है. किसी के पास अपना ऑयल रिग नहीं है, वो किराए पर विदेश से आती है, ठीक है? ये मल्टी बिलियन रुपीज की होती है. जब ऑयल रिग किसी को बनवाना होता है, मान लीजिए मैं ऑयल रिग बनाता हूं, कोई मेरे पास आएगा ऑयल रिग बनवाने के लिए, ठीक है, तो अब मैं जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा. ये तुरंत 2-4 दिन में तैयार थोड़ी ना हो जाएगा. इतनी बड़ी सिप बनानी है, ये 2-4-5 साल लगेंगे इसमें बनाने में. और ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होगा, कस्टमर अपने हिसाब से बताता है. कोई ऑयल रिग वाला ऐसा नहीं होता कि 4-5 ऑयल रिग बना के रखा हुआ है, कोई कस्टमर आएगा तो पूछेगा कौन सी वाली चाहिए, नीली वाली दे दे कि पीली वाली दे दे ऑयल रिग. अरे, ये मल्टी बिलियन रुपीज की है, ठीक है? कोई बना बना के नहीं रखा होगा इसे. ये कस्टमर आएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, उसके हिसाब से बनेगा. क्लियर है बात सबको? तो यहां पे क्या अप्लाई होगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो एक लंबे ड्यूरेशन का है, इमीडिएट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसे कंप्लीट करने में समय लगेगा. तो जो सिविल कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं वो लंबे समय वाले होते हैं, कुछ मशीनरीज वगैरह भी लंबा समय लेती है, जैसे मैंने आपको बताया ऑयल रिग, ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में भी लंबा समय लगता है, ठीक है? तो ये सब कहां पे आएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएंगे. क्लियर है बात सबको? लेकिन हमारे कोर्स में स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बात कही गई है, पता है वो किसकी है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की. तो हम यहां पे ये लिख भी दें कि हमारी जो पढ़ाई है वो स्पेशली किस पे फोकस्ड है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे, स्पेशली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. दिस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ the coverage, course coverage that we have to do. Construction contract.
क्लियर। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाना है तो पहले समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन जनरली इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आप भी मेरे साथ तालली नोट कर रहे हैं। इट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, लार्ज साइज एंड इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकिंग जनरली इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जाता है। ये लंबे ड्यूरेशन का होता है, ठीक बात है, 12 महीने से अधिक समय लगता है जनरली इसमें। लार्ज साइज का होता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, एंड इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, और इसमें खूब पैसा भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल रिग्स, जो मैंने बताया जिसे पेट्रोल डीजल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक बड़ी जहाज होती है, ड्रिलिंग के पूरे ऑपरेटर्स होते हैं इस पे। हालांकि हमारी कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टी। आई होप आपको समझ में आता है कॉन्ट्रैक्टर किसे कहेंगे और कॉन्ट्रैक्टी किसे कहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा है जो काम करेगा, और कॉन्ट्रैक्टी कौन है? वो जो काम करवा रहा है, ठीक है, जिसको काम चाहिए था, जो पैसे देगा वो कॉन्ट्रैक्टी है। कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा है जो टास्क परफॉर्म करेगा, परफॉर्म्स टास्क, काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टी कौन है? वो जो पैसे देगा, ये पेमेंट करता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? कॉन्ट्रैक्टर वो है जो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टी वो है जो पैसे दे रहा है, जो काम करवा रहा है। जिसको बिल्डिंग बनवानी है वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। जो बिल्डिंग बनाएगा कॉन्ट्रैक्टी के लिए वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट विल इन्वॉल्व, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टी विल मेक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी विल मेक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोपोर्शन टू द value of work certified by the valuer of contractee। इस लाइन को लिखिए, इस लाइन में बहुत सारे मतलब छिपे हैं। क्या लिखा हम लोग ने? कॉन्ट्रैक्टी विल मेक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द वैल्यूअर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। क्या मतलब है मैं समझाता हूं। जैसे क्या होता है कि मैंने किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 50 लाख रुपए का। तो अब एक बात बताइए मुझे,
मैं 50 लाख रुपए की पेमेंट उसे कब करूंगा? मैंने किसी कॉन्ट्रेक्टर को काम दिया कि बिल्डिंग मेरी पूरी बनानी है, 50 लाख रुपए मैं पेमेंट करूंगा, तो ये पेमेंट कब देना है मुझे? कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही दे दें, कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो जाएगा तब देंगे 50 लाख रुपया? कैसे देना है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मुझे कब करना है? समय समय पे पीरियोडिकली देते रहना होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पहले दिन ही मैं सारा पैसा पकड़ा दूंगा कॉन्ट्रैक्टर को, या फिर कॉन्ट्रैक्टर वेट करेगा पूरा बिल्डिंग बना लेगा 3 साल में तब जाके 50 लाख रुपए दूंगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, पीरियोडिकली वो जितना काम करते जाता है उसके हिसाब से पेमेंट लेते जाता है। ठीक है, पहले से बात हो जाती है। किस कदर बात होती है, जैसे मैं उसको बताता हूं कि देखिए एक बिल्डिंग बनानी है, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन होगी, मतलब सारी चीजें बात हो गई है। ठीक है, क्या साइजेस होंगी, कैसे बनेगा, मतलब पूरी डिजाइन उसको दे दिया गया है, फुल डिजाइन उसको दे दिया गया है, और सौदा हो गया है कितने रुपए में, 50 लाख रुपए में ये बिल्डिंग तैयार कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट की डेट्स डिसाइड हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग तैयार होगी फॉर एग्जाम्पल 3 सालों में, मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर डिसाइड हो जाता है कि हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर पे या फिर हर महीने की आखिरी तारीख को जितना काम हो चुका होगा, ठीक है, उसके हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, जितना काम हो चुका होगा उसके हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। इसका क्या मतलब है, जितना काम हुआ है उतनी की पेमेंट नहीं करेंगे, उसके हिसाब से कुछ पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच में यह डिसाइड कर लिया जाता है कि कुछ पैसा हमेशा रोका जाएगा, उसे कहा जाता है रिटेंशन मनी, कुछ पैसा हमेशा रोक लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिसाइड हुआ है कि रिटेंशन मनी कितनी होगी, 10%। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, रिटेंशन बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिए रिटेंशन मनी क्या होता है। रिटेंशन मनी कितनी होगी, मैंने बोला 10%, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 50 लाख रुपया। इसका मतलब यह है कि जब 5 लाख रुपए का काम हो चुका होगा तो 5 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा, 5 लाख रुपए में से 10%, यानी कि 50,000 रुपए रोक लिया जाएगा, सिर्फ 4,50,000 4,50,000 पे किया जाएगा। जिस दिन 10 लाख रुपए तक का काम हो चुका होगा तो पूरी 10 लाख रुपए की पेमेंट नहीं दे दी जाएगी, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए रोक लिया जाएगा और 9 लाख की पेमेंट होगी। हमेशा कुछ मनी रिटेन किया जाएगा। देखिए ऐसा होता भी है, मैं आपको इस बस सिंपल टर्म से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप डेली मजदूर लेके आते हो काम के लिए, ठीक है, डेली वाले मजदूर को लेके आते हो आप काम के लिए, और एक हफ्ते तक आपको उससे काम कराना है, और वो जो डेली वाला मजदूर है उसकी एक दिन की मजदूरी होती है 500 रुपए। तो जब, और आपको काम कितने दिन कराना है, एक हफ्ते तक लगातार उससे काम कराना है, तो पहले दिन जब वो काम कंप्लीट कर लेता है अपना, जाने लगता है, तो आप उसको 500 रुपए नहीं देते हो, पता है कितना देते हो उसको, 400 रुपए पकड़ा देते हो, 100 रुपए होल्ड कर लेते हो, इसलिए ताकि वो कल भी आए और काम करे। और जिस दिन 7वें दिन आपका काम पूरा हो जाता है, वो जा रहा है, तो जितना पैसा आप रोके होते हो वो सारा दे देते हो। यही काम कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर को जितना काम कर लेता है उतने पैसे नहीं देते हैं, कुछ पैसे रोक लेते हैं। अब ये रिटेंशन मनी 10% मैंने एग्जांपल लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी मिलकर डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा रोका जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ऐसा ऐसा डिसाइड हो गया 50 लाख रुपए उसका देना है। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्टर ने इतना काम कर लिया है, अभी पहले फ्लोर की छत भी नहीं डाली है, दीवाल वाल खड़ी हो गई है, फाउंडेशन रेडी हो गया है, दीवालें खड़ी हो गई हैं, इतना काम हो गया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जितने वैल्यू का ये काम, पूरा वैल्यू, ये 100% काम हो जाएगा तो कितने रुपए का काम होगा, 50 लाख रुपए का। अब ये काम कितना परसेंटेज है, अब ये बात आती है कि ये काम कितना परसेंटेज है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ये काम जो है 25% है। अब ये काम कितना है, 25% है, तो यानी अब मुझे 25% पेमेंट कितनी होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की। ये 50 लाख रुपए को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितने में सौदा होता है आपका, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस डिसाइड होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 100% काम होने का 50 लाख रुपए होता है, 25% काम होने का कितना हुआ, 12,50,000। रिटेंशन मनी है 10%, 10% पैसा रोक लेना है, यानी 10% 12,50,000 का कितना हुआ, 1,25,000 रुपया,
ये रोक लेना है, तो कितना देना है 11,25,000 रुपया। मुझे दे देना है। आगे बात समझ में इसको, लेकिन अब ध्यान से सुनिए, काम तो सचमुच 25% हुआ है, ठीक है, लेकिन पता है मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि भाई साहब जरा बताइए कितना काम हो गया है, मैं पेमेंट उस हिसाब से रिलीज कर दूं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि ऐसा है कि ये आपका समझ लीजिए 70% काम हो चुका है। मैंने 70% काम हो चुका है भाई साहब, अभी तो आपने दो दीवार खड़ी की, नीचे जमीन खड़ी की, अभी तो पूरी बिल्डिंग बनना बाकी, आप कह रहे 70% काम हो गया है। कह रहा हां, कह रहा फाउंडेशन में ही समय लगता है, जब पहला फाउंडेशन रेडी हो गया ना तो उसके बाद तो धकाधक बिल्डिंग खड़ी होगी। कह रहा 70% काम हो चुका है भाई साहब, अब मुझे एक काम करिए, आप पेमेंट रिलीज कीजिए। यानी 70% काम का हो गया 50 लाख में से 35 लाख रुपया, और 35 लाख रुपए में से 10% 3,50,000 रुपया घटा दो, यानी उसको 31,50,000 रुपया चाहिए। एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्टर हमेशा ज्यादा काम बोलेगा कि नहीं अपना? हमेशा बोलेगा, उसका उसके बस में रहे तो वो तो बोलेगा कि 90% काम हो गया भाई साहब, पैसा पूरा निकालिए जल्दी से, काम 90% हो चुका है, बाकी कौन सा काम बचा है आपका, अब तो खटाखट बस स्लैब गिरानी है, दीवार खड़ी करनी है, हो जाएगा 2 मिनट में वो सब, तो 90% आपका काम हो गया, अकॉर्डिंगली पैसा निकाल दीजिए। तो ये परेशानी आएगी वैल्यूएशन, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं बताएगा कितने रुपए का काम हो चुका है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, वैल्यूएशन कौन करेगा इसकी, हमने लिखा है कॉन्ट्रैक्टर विल मेक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 3 साल का पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का, तो 3 साल तक हम पैसा देते रहेंगे, कैसे, इन प्रपोर्शन टू, इन प्रपोर्शन का मतलब क्या है, कुछ हिस्सा देंगे कुछ रोकेंगे, प्रपोर्शन का मतलब बस ये है कि हम कुछ रिटेन करेंगे, प्रपोर्शन का मतलब ये है कि हम पूरा नहीं देंगे कुछ रिटेन करेंगे, ठीक है इतनी बात, टू द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, रिटेन किसमें करेंगे, टू द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितने रुपए का काम हो चुका है उसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, बाई द वैल्यूअर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी, पता है कौन वैल्यू करेगा, वैल्यूअर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जैसे होता क्या है, बात समझिए, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि देखिए 70% का काम हो चुका है, तो हम कहते हैं भाई साहब मुझे तो नहीं लग रहा 70% का काम हो चुका है, ठीक है, मैं कहता हूं मुझे तो लगता है 25% का काम हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर पता है क्या कहेगा, कहेगा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रखी है क्या, आपको पता है क्या बिल्डिंग कैसे बनती है, मैं चुप हो जाऊंगा, कहेगा कि आपको सीए के बच्चों को पढ़ाने आता है, सीएस के बच्चों को पढ़ाने आता है, सीएमए के बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप अपना काम कीजिए, ठीक है, आपके बस का नहीं है कि बिल्डिंग कितनी बन चुकी है आप बताएंगे, ये आपका एरिया नहीं है, मैं भी चुप हो जाऊंगा भाई साहब मुझे क्या पता कि बिल्डिंग कितनी बन चुकी है, हो सकता है सचमुच 70% बन चुकी हो, बाकी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता हो। तो अब यहां पर क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टी यानी मैं एक वैल्यूअर रखूंगा, पता है वो भी कौन होगा, सिविल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को मैंने काम करने को दिया है, दूसरा सिविल इंजीनियर रखा है जो वैल्यूएशन करेगा। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर कहेगा 70% काम हो चुका है भाई साहब पेमेंट रिलीज कीजिए, तो मैं अपने दूसरे वाले सिविल इंजीनियर को जिसको वैल्यूअर की तरह मैंने अपॉइंट किया है, ये कौन अपॉइंट किया है, मैंने खुद, मैं उसको बोलूंगा कि जाओ साइट पे और जाओ जरा वहां पे देखो कितने रुपए का काम हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करो कितने रुपए का काम हो गया है। तो वो सिविल इंजीनियर जाएगा वहां पे और मुझे फोन करेगा वहीं से, कहेगा राज सर, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ, कहेगा काम तो सिर्फ 25% का ही हुआ है ये, तो मैं कहता हूं कि एक काम करो कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, वो तो कह रहा है 70% काम हो चुका है और मुझसे पैसे निकलवाने के चक्कर में है, और तो अब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर से मेरे बात करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को कहेगा काम तो 25% हो रखा है, कहेगा नहीं नहीं 70% हो रखा है, तो कहेगा जहां से तुमने ना सिविल इंजीनियरिंग की है ना जिस कॉलेज से, वहां पे मैं प्रिंसिपल रह चुका हूं, मुझे ज्यादा मत समझाओ। अब बेसिकली अब दोनों एक ही स्ट्रीम के हैं ना, तो अब वो उसको समझा लेगा कि देखो यहां ज्यादा पंगे नहीं चलेंगे तुम्हारे, 25% काम हुआ है, तो कहता है हां भाई साहब काम तो 25% हुआ है, क्यों, क्योंकि वो भी उसी प्रोफेशन का है। अब यहां पर डिसीजन हो जाएगा कि हां काम 25% का हुआ है और अकॉर्डिंगली मैं पेमेंट रिलीज करता हूं। तो इतनी बात सबको समझ में आएगी नहीं कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, बड़ी आम, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए हर लोगों की जिंदगी में ये सब कुछ होता रहता है, ठीक है, बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन हमें सिंस उसकी अकाउंटिंग करनी है, लिखा पढ़ी करनी है, तो इसलिए हम उसको विधिवत समझ रहे हैं बस।
अदरवाइज तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की कॉस्टिंग बिना पढ़े लिखे भी कर रहे हैं। अरे उनको भी मालूम है कि कितना पैसा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा समझते हैं क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें कॉन्ट्रैक्टर एक काम लेता है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है देख इस काम को करने का मैं तुझे कितने दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा, 3 साल के पीरियड में ये काम करना है और 50 लाख रुपए टुकड़े टुकड़े में तुझे धीरे धीरे मिलते जाएंगे, तू जितना काम करेगा उसके हिसाब से। हमेशा 10% पैसा रुका रहेगा और कितना काम हो चुका है ये कौन बताएगा, मेरा वैल्यूअर बताएगा, ठीक है। और निश्चित है मेरा वैल्यूअर बताएगा तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियर ये भी सिविल इंजीनियर, तो ऐसा नहीं है कि मेरा वैल्यूअर कुछ भी बता देगा, ठीक है, जस्टिफाइड बात होगी क्योंकि दोनों लोग ही क्या है सेम स्ट्रीम के हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों विद्वत समझते हैं इस काम को, ठीक है। तो मेरा वैल्यूअर बताएगा उस हिसाब से दोनों में एडजस्टमेंट होगी, डिसीजन होगा कि इतना परसेंटेज काम हो चुका है और अकॉर्डिंगली मैं उस काम का पैसा दूंगा। क्लियर है यहां तक की बात। जितना परसेंटेज काम हो चुका होता है उसे कहा जाता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्या बोला जाता है बच्चों ध्यान से एक एक बात सुनिए, रिटेंशन मनी जितना पैसा रोक लिया जाता है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन जितना परसेंटेज काम हो चुका है, किसने बताया, किसने बताया इतना काम हो चुका है, कौन है वो, वैल्यूअर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। वैल्यूअर कॉन्ट्रैक्टी जितना काम बताता है कि हो गया है उसे कहा जाता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हमारे एग्जाम्पल में स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना, ये तो लड़ाई हो रही थी 70% वाली, वो तो कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना रहा था मुझे, मैंने अपना वैल्यूअर भेजा बस तुरंत लाइन पे आ गया, 25% काम हुआ है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारे एग्जाम्पल में था 25%, ठीक है। अब एक नया टर्म सीखिए, बहुत सुंदर टर्म, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था बच्चों, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का 25% काम हो चुका है, ये हो गया 12,50,000 रुपए, इसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कोई तकलीफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितने वैल्यू का काम हो चुका है, किसने बताया इतने वैल्यू का काम हो चुका है, वैल्यूअर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। वैल्यूअर ऑफ कॉन्ट्रैक्टी बेसिकली स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताया, और जब हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट इज दिस 50 लाख, 50 लाख इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड व्हेन आई मल्टीप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अब आप बताएंगे देखिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है, बिल्डिंग तो वो भी बनवा लेते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे अपना कॉमन सेंस लगा के कि ये जो काम है ये 12,50,000 रुपए की वैल्यूएशन की गई है, कॉन्ट्रैक्टर इस काम को कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का कितना खर्चा लगा होगा इस काम में, इसने इतना काम कर दिया ना, कॉन्ट्रैक्टर ने इतना काम कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा कितना लगा होगा 12,50,000 रुपया, ऑब्वियसली नहीं, 12,50,000 थोड़ी ना लग गया होगा, 12,50,000 रुपए की वैल्यू का काम हो चुका है ऐसा दिख रहा है, वो वैल्यूएशन किसके हिसाब से हो रही है, 50 लाख रुपया। एक बात बताइए, आज 25% काम हुआ है, एक दिन 100% भी हो जाएगा ना, बनते बनते ये बिल्डिंग पूरी बन जाएगी ना, ये पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी ना एक दिन, तो जिस दिन पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टर का क्या 50 लाख रुपया लग चुका होगा, बिल्कुल नहीं। अरे बेसिकली वो भी तो अपनी प्रॉफिट जोड़ के बताया है, हो सकता है उसने पहले ही एस्टिमेट कर रखा है पूरी बिल्डिंग बनाने में 40 लाख का खर्चा लगेगा, 10 लाख रुपए उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब तक 12,50,000 रुपए का काम हुआ है तो खर्चा थोड़ी ना 12,50,000 रुपए का लगा होगा, खर्चा उसका थोड़ा कम लगा होगा उससे, क्लियर बात। हाँ भाई एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ 12,50,000 रुपए से कम खर्चा लगना ही चाहिए, 12 लाख रुपए से कम खर्चा जनरली लगता है, हम ये बात कर रहे हैं। अरे किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को घाटा भी होता होगा, ठीक है, तो हम वो बात नहीं कर रहे हैं, जनरली तो प्रॉफिट में ही काम करेगा ना बंदा, ठीक है, 2-4% केसेस में घाटे भी होते होंगे तो वहां पे शायद कॉस्ट बढ़ जाती होगी, लेकिन जनरली क्या होना चाहिए कि 12,50,000 रुपए की जब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है तो निश्चित है उसकी लागत, उसका खर्चा जो है कॉन्ट्रैक्टर का अभी कम बैठा होगा, तभी तो वो कमा रहा है,
एक दिन पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो खर्चा 50 लाख नहीं हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो भी खर्चे 50 लाख रुपए से कम ही रहेंगे, उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, कुछ उसका मार्जिन होगा उसमें। अब ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जितना खर्चा इसको बनाने में अभी तक लगा है, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, एक एक छोटी छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टर्म भी आप भूल गए तो मजा नहीं आएगा अकाउंटिंग करने में, कॉस्टिंग करनी है पूरी इसकी। जितना इस 12,50,000 रुपए को काम करने में खर्च हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर के, उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। किस, कौन बता पाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए होती है पहले तो ये भी समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन कर रहा है, कौन लागत निकाल रहा है, अरे जो काम कर रहा है कौन? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की ये कॉस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ फिगर कॉन्ट्रैक्टी की वजह से आती है इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो ये कॉस्टिंग किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रही है, ये कॉस्टिंग पूरी पूरी किसके अकाउंट्स में हो रही है? कॉन्ट्रैक्टर के, ठीक है। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसका खर्चा, इस काम को करने का अभी तक का कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा, इस काम को करने में कॉन्ट्रैक्टर का मान लेते हैं 9 लाख रुपया लगाया अभी तक, ठीक है। ये वैल्यू वर्क सर्टिफाइड कौन बताया है, ये कौन बताया है बताइए जल्दी से? कॉन्ट्रैक्टी बताया है। क्यों? क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितने ने बताया है? कॉन्ट्रैक्टी ने बताया है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप परफेक्ट तरीके से इन चीजों को याद कर ले। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ये कौन बता पाएगा? ये कॉन्ट्रैक्टर बता पाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टी के बस का थोड़ी ना है। वो बताएगा कि मेरा कितना खर्चा लगा है, वो अपनी अकाउंटिंग में बताएगा, कॉन्ट्रैक्टी को थोड़ी ना बताएगा, वो अपनी अकाउंट्स बनाएगा इससे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज जितना पैसा इस काम में लगा है, ठीक है। अब अगली बात हम लोग समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ WIP एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैं समझाता हूं ये क्या बात है। देखिए, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉफिट कैसे निकालता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है यहां पे जितने रुपए का काम हो चुका है बाय WIP, WIP का मतलब होता है जितने का काम हो चुका है, ठीक है। और इधर वो अपने सारे खर्चे लिख देता है, भैया तो काम हो गया है 12.5 लाख रुपए का, खर्चे लगे हैं 9 लाख रुपए, तो कितना प्रॉफिट? 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है, एकदम क्लियर करिए अपना दिमाग। प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है जितने रुपए का काम हो चुका है माइनस जितना खर्चा लग चुका है, ठीक है। जितने रुपए का काम हो चुका है उसे कहते हैं WIP। लेकिन आप कहेंगे सर जितने रुपए का काम हो चुका है वो तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड था। नहीं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अंतर है WIP और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या है। देखिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कौन बताता है? कॉन्ट्रैक्टी बताता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टी जो वैल्यूएशन होती है वो हर दिन नहीं बताता, मतलब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च खत्म हो रहा है तो वो 1 अप्रैल को भी जाएगा बताने, 2 अप्रैल को भी जाएगा, 3 अप्रैल को भी जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो पीरियोडिकली कभी कभी जाता है, ठीक है। उससे तय हो जाता है कि देखो भाई कॉन्ट्रैक्टी तुम इस तारीख को जाके वैल्यूएशन करना। और बेसिकली वो कौन सी डेट होती है? जनरली वो वाली डेट होती है जिस दिन हमको पेमेंट देना होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा जाता है ना, अब पेमेंट भी रोज रोज थोड़ी ना दिया जाता है, मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं, अब वो रोज रोज मुझसे पैसे थोड़ी ना मांगेगा। कॉन्ट्रैक्टर कहेगा आज देखिए 4 अनी का और काम हो गया, चलिए 25 पैसा और निकालिए। अगले दिन कहेगा देखिए 8 अनी का काम और हो गया है। समझते भी हो कि नहीं? 54 अनी, 25 पैसे 50 पैसे, मतलब ऐसा नहीं होता। वो पीरियोडिकली पहले से एग्रीमेंट में हो जाता है, देखो हर महीने की 15 तारीख को पैसे देंगे, जितना काम हो चुका होगा 15 तारीख को हर महीने पैसा देंगे, हर महीने की 10 तारीख को पैसा दिया जाएगा, ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम अपने वैल्यूअर को भी भेजते हैं, वैल्यूअर को भी रोज रोज भेज के क्यों वैल्यूएशन कराएंगे? रोज रोज पैसा थोड़ी ना देना है, वो जितनी वैल्यूएशन करेगा उसके हिसाब से मुझे पैसे देने हैं, तो जब पैसे देने हैं तब भेज देंगे,
अब मान लीजिए मैं उसको वैल्यूअर को कब भेजता हूं, हर महीने की 15 तारीख को वैल्यूएशन के लिए भेजता हूं, मैं हर महीने की 15 तारीख को वैल्यूएशन के लिए भेजता हूं। अब जब वो तो हर महीने की 15 तारीख को जाता है, यानी कब कब जाता है, पहले गया 15 अप्रैल को, एक बार गया होगा वो 15 अप्रैल को, फिर गया वो 15 मई को, फिर गया 15 जून को, फिर गया 15 जुलाई को, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। अब आखिरी बार साल में कब जाएगा, 15 मार्च को, अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर, आखिरी बार हो जाएगा 15 मार्च को, उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा 15 अप्रैल को, फिर अगला साल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा। अब वो 15 अप्रैल को जाता है, कहता है साहब 8% काम हो चुका है, हमको बोलता है 8% काम हो चुका है, ठीक है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 50 लाख, तो यानी 50 लाख का 8% होता है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का काम हो चुका है, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। वो 15 मई को फिर गया, कहता है साहब 12% का काम हो चुका है, ठीक है। करते 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 मार्च में वो जब जाता है तो बताता है साहब 80% काम हो चुका है। तो पहले तो एक ये समझ लीजिए कि जब वो 15 अप्रैल को गया, बोला 8% का काम हो चुका है, उस समय काम कितना हुआ था बताएं, फाउंडेशन रेडी हो गया था, तो उसने कहा 8% काम हो चुका है। फिर जब 15 मई को गया तो दो दीवारें और खड़ी हो गई थी, तो उसने कहा सर 12% काम हो चुका है। तो 12% काम का मतलब पता है क्या है, ये जो दो दीवारें वो 12% नहीं है, पूरा काम 12% हो चुका है। यहां पे 8% काम हो चुका था 15 अप्रैल तक, यानी 50 लाख का 8% 4 लाख का काम हुआ था। अब यहां पे 15 मई तक 12% काम और हो चुका है, 8% के बाद 12% नहीं, टोटल काम 12% है, टोटल काम, ये क्यूमुलेटिव चलता है। ये जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बताया जाता है ये क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब पुराना वाला वैल्यूएशन ऑलरेडी है नए वाले वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। जिस दिन वो ये कहेगा 100% काम हो चुका है, जिसका मतलब 100% और नहीं हो गया है, 100% ही हुआ है, शुरू से लेके अभी तक का मिला के 100% हुआ है, ठीक है। जिस दिन यहां पे 15 मार्च को बोलेगा 80% काम हो गया है, का मतलब ये नहीं है 80% और हो गया है, जैसे कि इसके पहले फेब में उसने बोला था 75% हो गया है, तो 75% फिर अब 80% और हो गया, ये नहीं, 80% टोटैलिटी में हो गया है। तो जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताया जाता है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये भी क्यूमुलेटिव होता है, और इसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो होता है ये हमेशा क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है, हमेशा क्यूमुलेटिव रहेगा। वो जब 25% बोल रहा तो यानी 25% टिल डेट काम हो चुका है, फिर अगली बार आएगा बोलेगा 32% काम हो गया, 32%, तो 32% टिल डेट, शुरू से लेके अभी तक 32% हुआ है, ये मतलब होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली और इसी परसेंटेज को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या है, क्यूमुलेटिव, ये भी ऑटोमेटिक क्यूमुलेटिव हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आइए हम लोग जो बात कर रहे थे वहां पे आए वापस से। तो अब देखिए क्या है, यहां पे वो कॉस्ट लिखिएगा अपनी पूरी पूरी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितना खर्चा लगा है वो सब लिख देगा यहां पे, ठीक है। और आखिरी बार कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर 15 मार्च को आया और वैल्यू करके बताया कितने रुपए का काम हो चुका है, 80%, ठीक है। तो हम बोलेंगे वैल्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, आखिरी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80%, ठीक है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना, मान लो कॉन्ट्रैक्ट है 50 लाख रुपए का, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 80% इंटू 50 लाख, यानी कि कितना, 40 लाख, ठीक है, 40 लाख रुपए का काम हो गया। अब एक बात बताइए, यहां पे खर्चा तो वो पूरे साल का लिख रहा है और का ये वैल्यूएशन हो रही है 15 मार्च को, मैं जानना चाहता हूं क्या कुछ काम और बिल्डिंग में, ये 15 मास तक इतना काम हो चुका था, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 15 मास 16 मास से 31 मास तक कुछ और काम भी हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा, ठीक है। तो 15 मास से 31 मार्च तक जितना काम हो चुका है उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू नहीं, वैल्यू तो अब कॉन्ट्रैक्टी आएगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टी तो अगले 15 अप्रैल को आएगा, ठीक है। तो 16 मास से लेके 31 मास तक जितना खर्चा कॉन्ट्रैक्टी लगाता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड।
और ये मान लीजिए अभी लगा है 1,00,000 रुपए का, तो हम बोलेंगे 31 मार्च को WIP पता है कितनी थी, ये जो बिल्डिंग इतनी तैयार हुई है वो कितने की है, हम कहेंगे देखो इतने काम का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिंक कलर से कर रहे हैं, इतने काम का, तो कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर वैल्यूएशन करके गया ही है, ये कितना है 40,00,000 प्लस 1,00,000 रुपए का खर्चा और लग चुका है, 1,00,000 रुपए का खर्चा और लग चुका है, इतना वाला 1,00,000 रुपया। तो हम कहेंगे कि 31 मार्च को जो WIP है वो पता है कितनी है, 41,00,000 की, दिस इज 41,00,000 रुपीज, ये हम बताएंगे 41,00,000। तो व्हाट इज WIP? WIP इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क, यहां वैल्यूएशन नहीं हो रही, तो एक्चुअल जो खर्चा है बस वो जोड़ देगा कॉन्ट्रैक्टर, कहेगा 1,00,000 रुपए में खर्चा और लगा चुका हूं बिल्डिंग में, इसकी वैल्यूएशन तो अब हुई नहीं है अभी, तो हम 1,00,000 रुपए ही जोड़ देते हैं, 40,00,000 रुपए की वैल्यूएशन हो चुकी है, 1,00,000 रुपए का काम और कर चुकी है जिसकी वैल्यूएशन हुई नहीं है, तो 1,00,000 रुपए वैल्यू और बढ़ा देते हैं, ठीक है, हालांकि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो थोड़ी सी और ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी तो होता है, क्योंकि जब वैल्यूएशन 40,00,000 रुपए इतने काम की गई थी, ध्यान दीजिए जो पिंक कलर वाला है, जो 40,00,000 रुपए की काम की वैल्यूएशन की गई थी, तो क्या एक्चुअल में खर्चा 40,00,000 लगा था, बिल्कुल नहीं, कम ही लगा होगा ना, ठीक है। तो व्हाट इज दिस WIP? WIP का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब बच्चों मैं एक बार और रिपीट करने जा रहा हूं, वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, सर्टिफाइड का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर का वैल्यूअर वैल्यूएशन कर गया है, आके देख गया है, अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर का वैल्यूअर अभी आके नहीं देखा है। अब ये यहां वैल्यू वर्ड है, यहां कॉस्ट है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अगर हम लोग यहां पे वैल्यू की जगह अगर कॉस्ट लिख दें तो बात एक ही है, नहीं, ये तो अलग चीज हो जाएगी। कॉस्ट क्या होती है, वैल्यूएशन 40,00,000 की गई तो कॉन्ट्रैक्टर का जितना खर्चा लगा वो है कॉस्ट, राइट, हम लोग यहां कॉस्ट नहीं लिख रहे हैं WIP, वैल्यू लिख रहे हैं, और जितने काम की वैल्यूएशन हुई नहीं है वहां पे तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट लिख रहे हैं, ये होता है WIP। यहां पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है बाई कॉन्ट्रैक्टर, जितने रुपए का काम कर दिया है वो इधर लिख देगा, इधर सारा खर्चा लिख देगा, जो बच गया वो कहेगा कि दिस इज प्रॉफिट, वो कॉस्टिंग PL में जाएगा। राइट अच्छा अगली चीज, क्या ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है, नहीं भाई साहब, एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी ना है, अब ये तो हम लोग निकाल दे रहे हैं किसी भी तरीके से वैल्यूएशन वगैरह करके खर्चा निकाल के, अब एक्चुअल तो प्रॉफिट तब पता चलेगा जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ भाई साहब पूरा कॉन्ट्रैक्ट था 50,00,000 रुपए का, एकदम एक्चुअल में खर्चा कितना बैठा 42,00,000 रुपए, तो 8,00,000 रुपए की नेट प्रॉफिट हुई। देखिए एक्चुअल में प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है WIP स्टेज में है तब तक हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट नहीं जान पाएंगे, और इसलिए हम इस प्रॉफिट को बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्यों नोशनल बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो तब पता चलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तब तक तो हम अंदाज पे हर साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और इसलिए हम इसे बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। कैसे निकाला जाता है नोशनल प्रॉफिट, हम WIP में से कॉस्ट टिल डेट घटा देते हैं, अब तक का जो खर्चा है वो हम घटा देते हैं, तो हमें मिल जाता है नोशनल प्रॉफिट। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विथ इट। चलिए अब इस बात को समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है तो क्या वो एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्ट ले रहा होगा, मतलब मेरा राज अग्रवाल का एक कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया बिल्डिंग बनाने का, तो वो कुछ नहीं करेगा, बस राज अग्रवाल की बिल्डिंग बनाएगा, नहीं, हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्टर के पैरेलली 20-20 कॉन्ट्रैक्ट 25-25 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे की जाती है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट का वो अलग अलग खाता बनाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 50 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं तो सारे कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा एक साथ लिख दिया, सारे कॉन्ट्रैक्ट की WIP एक जगह लिख दिया, नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग प्रॉफिट निकाली जाती है। वो राज अग्रवाल के कॉन्ट्रैक्ट का अलग निकालेगा, मुकेश का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा, ठीक है।
मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए उसका कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम नाम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट वन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको नाम दे देते हैं मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट टू, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम नाम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्री। तो अब वो क्या करेगा, सबके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसे फायदा किसी में घाटा ऐसा भी हो सकता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग खाते बनेंगे, इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, अब खर्चे कैसे डलेंगे, अब ये भी समझिए। अब ये रही कंपनी, ये रही कंपनी, कौन सी कंपनी, वही कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही है ये सारी। अब खर्चा वो कैसे डालती है, अब जैसे यहां पे इसने 100 बोरी सीमेंट भेजी, 100 बैग सीमेंट, यहां पे उसने भेजा था 130 बोरा सीमेंट, यहां पे उसने भेजा था 250 बोरा सीमेंट। तो सीमेंट का खर्चा किस कॉन्ट्रैक्ट में कितना चार्ज होगा, अरे जितना जितना गया है उसका उसका चार्ज होगा बस। यहां पे 100 बैग का ही चार्ज होगा खर्चा, यहां पे 130 बैग का चार्ज होगा, यहां 250 बैग का चार्ज होगा। ठीक है, यहां पे लेबर भेजे गए हैं 9, यहां पे लेबर भेजे गए हैं 20, यहां पे लेबर भेजे गए हैं 30। तो जिसको जो मजदूरी दी गई है जिस साइट पे काम करने के लिए उस मजदूरी को वहीं पे जोड़ देंगे, यहां पे हम 30 लेबर का खर्चा जोड़ेंगे, यहां 20 लेबर का खर्चा, यहां पे कितने गए थे 9 गए थे ना, तो 9 लेबर का खर्चा यहां जोड़ देंगे। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो इसकी इसकी और इसकी वजह से अलग अलग नहीं लगते, जो खर्चे अलग अलग लगते हैं वो तो हम चार्ज कर दिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक इंजीनियर है, ये घूम घूम कर देखता रहता है लेबर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो यहां भी आता है यहां भी आता है यहां भी आता है, तो इसकी जो तनख्वाह है सैलरी है वो कहां जाएगी, वो इन तीनों में डिवाइड करनी होगी। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट खर्चा, ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, जो साइट की वजह से लगेगा, जो इस साइट का खर्चा है वो इस साइट का डायरेक्ट खर्चा, जो इसी साइट की वजह से लग रहा है वो इस साइट का डायरेक्ट खर्चा, जो इसी साइट की वजह से लग रहा है वो इस साइट का डायरेक्ट खर्चा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लग रहा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट खर्चा। लेकिन ऐसा कोई खर्चा जो हर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लग रहा है, वो किसी एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं लग रहा है, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लग रहा है, तो ऐसा खर्चा कहलाएगा इनडायरेक्ट खर्चा, और उसे अपोर्शन करना पड़ेगा, उसे बांटना पड़ेगा, कोई एक रीजनेबल बेसिस लेके उसको इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे इंजीनियर, इंजीनियर की सैलरी मान लीजिए है 50,000 रुपया महीना, तो 50,000 इंटू 12 साल का कितना दिलाता है इंजीनियर को, 6,00,000 रुपया। अब एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए तीनों पे बांटने का, तो एक अंदाज ये लगाया गया कि लगभग 40% टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट थ्री में देता है, 35% टाइम वो देता है कॉन्ट्रैक्ट टू में, टाइम की बात कर रहे हैं 75 हो गया, 25% टाइम देता है कॉन्ट्रैक्ट वन में। तो हम करेंगे क्या, 6,00,000 रुपए की सैलरी को 25%, 35%, 40% के रेशियो में बांट देंगे, 25:35:40 के रेशियो में बांट के सैलरी इसकी तीनों जगह चार्ज कर। कंपनी के लेवल पे और भी बहुत सारे खर्चे लग रहे होंगे, वो सारे खर्चे कॉन्ट्रैक्ट पे डाले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक रीजनेबल बेसिस लेके, और जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे डल ही रहे हैं। तो क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक तरफ मैंने बताया कि इधर की तरफ बाई WIP होगा, और WIP बड़ा सिंपल सा फंडा है, कैसे बनेगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब ध्यान दीजिए, किसी जगह पे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हो सकता है ना आए, कब नहीं आएगा, 31 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जा रहा है, और मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टी का जो वैल्यूअर है वो हर महीने की आखिरी तारीख को ही जाके वैल्यू करता है, तो 31 तारीख की वैल्यूएशन होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, 31 तारीख की वैल्यूएशन होगी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो फिर कोई कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड रहेगा ही नहीं, अनसर्टिफाइड कुछ रहा ही कहां, क्योंकि आखिरी दिन वैल्यूएशन हुई है तो पूरे काम की वैल्यूएशन हो चुकी है। अगर कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर 31 मार्च से पहले कभी गया है, और 31 मार्च को नहीं गया है, बस सीधा सा फंडा है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कब आएगा, जब कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर 31 मार्च को नहीं जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर 31 मार्च को नहीं जाएगा तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आना ही आना है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर 5 मार्च को गया था, कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर वैल्यूएशन के लिए 5 मार्च को गया, उसके बाद नहीं गया, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो 5 मार्च की होगी, और 6 तारीख से लेकर 31 मार्च तक की क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सबको समझ में आ गई इतनी बात, तो ये हो गया WIP, और इधर लगता है कॉस्ट। कॉस्ट में क्या लगेगा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है वो डलेगा,
और जो कंपनी का खर्चा है वो बट के डलेगा, इनडायरेक्ट खर्चे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जो डिफरेंस आएगा वो नोशनल प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर? अब और ध्यान से सुनिए, बात खत्म नहीं हुई, टुकड़ों में बता रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 100 बोरे सीमेंट भेजे यहां पे, 100 बोरा सीमेंट एट द रेट ऑफ मान लेते हैं 400 रुपए बोरी का रेट है, तो कितने का खर्चा सीमेंट का डलेगा यहां पे? 40,000 रुपया, 40,000। 100 बोरे सीमेंट भेजे, ध्यान से सुनिए, 100 बोरे सीमेंट भेजे लेकिन साइट पे कंज्यूम हुआ सिर्फ 90 बोरा, 10 बोरा बचा हुआ है, अब वो 10 बोरा वापस आएगा, 10 बोरा बचा हुआ है भाई साहब, अभी वो वापस आएगा, तो खर्चा कितना कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ दे? 100 बोरे का क्या? अरे सवाल ही नहीं उठता भाई साहब, 100 बोरा मैंने सीमेंट भेजा है, 90 बोरा वहां लगा है, 10 बोरा वापस आएगा, तो खर्चा 100 बोरे का जोड़ दे हम, ये कौन सा मजाक है? खर्चा तो 90 बोरे का जोड़ा जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पे 100 बोरा भेजा गया है, मटेरियल हो सकता है ज्यादा भेजा गया हो, आपको वो चार्ज नहीं करना है, आपको चार्ज करना है जितना मटेरियल वहां कंज्यूम हुआ है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, यहां पे कॉस्ट में हम लोग कितना लिखे, 40,000, या फिर हम लोग कितना लिखे, 90 बोरा 40 के रेट से, तो कितना हुआ 90 बोरा 400 के रेट से? 36,000 रुपया, ठीक है? कि यहां पे 36,000 रुपया लिखे, निश्चित है खर्चा हमको 36,000 रुपया लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? हम बेसिकली देखिए, 10 बोरा बचा ये कब पता चला? अकाउंटिंग कब की जाती है? हाथ के हाथों की जाएगी कि साल के अंत में बैठ के बनाएंगे अकाउंट्स? नहीं भाई साहब, जिस दिन 100 बोरा सीमेंट भेजा गया था ना, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट वन में 100 बोरा का खर्चा चार्ज कर दिया गया। तो हुआ क्या, जिस दिन 100 बोरा सीमेंट भेजा गया तो हमने एक एंट्री पास की। मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या होता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वन में 100 बोरा सीमेंट भेजा तो मैंने किया एंट्री कॉन्ट्रैक्ट वन अकाउंट डेबिट टू सीमेंट, या फिर कह लीजिए ऑब्लिक मटेरियल जो भी, ठीक है, 100 बोरा एट द रेट ऑफ 100 बैग एट द रेट ऑफ 400। बच्चों तो मैंने 40,000 रुपया इस कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज कर दिया। अब साल के अंत में 10 बोरा बचा था, साल के अंत में 10 बोरा बचा था, तो मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, मैंने एंट्री कर दी सीमेंट ऑब्लिक मटेरियल जो भी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट वन अकाउंट। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट वन के खर्चे को कम करो, कॉन्ट्रैक्ट वन डेबिट हो रहा है मतलब खर्चा बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, खर्चे उसमें पोर कर रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं भाई साहब, 4,000 रुपया यहां पे कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितने बोरे का खर्चा चार्ज होना चाहिए? 90 बोरे का। 10 बोरा बचा था ना, तो वही 10 बोरे का 400 × 10, 4,000 रुपया हमने कम कर दिया खर्चा, कॉन्ट्रैक्ट वन की जो खर्चे की लागत आ रही थी उसको मैंने कम कर दिया। तो इसको लिखने का तरीका यह होता है कि हम इधर लिखते हैं टू कॉस्ट, टू कॉस्ट हम लिखते हैं 40,000 ही, टू कॉस्ट में ये मटेरियल है तो टू मटेरियल हम लिखेंगे 40,000, और यहां पे लिख देंगे बाई मटेरियल 4,000। आगे बात समझ में, ठीक है? तो खर्चा तो 36,000 का चार्ज हुआ, अब बाई साइड में 4,000 रुपए लिख दीजिए, क्योंकि साल के अंत में जब पता चलता है ना इतना मटेरियल बच गया तो हम खर्चा उतना कम कर देते हैं, बाई साइड में लिखिए। अल्टीमेटली होना भी यही था कि 36,000 रुपया का खर्चा जोड़ा जाना था, 36,000 रुपया जोड़ा है। आई होप कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और सुनिए। अच्छा, अब इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया है? मैं बताता हूं आपको, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट वन पे एक मशीन भेजी है 5,00,000 रुपए की। तो क्या 5,00,000 रुपया खर्चा हो गया? नहीं, अरे वो मशीन 10 साल चलेगी भाई साहब, वो मशीन 10 साल चलेगी, तो 5,00,000 रुपए का खर्चा नहीं हो गया। अगर मान लीजिए 10 साल में वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाती है, तो कहेंगे एक साल का डेप्रिशिएशन कितना है मशीन का? 5,00,000 की मशीन 10 साल चलेगी तो एक साल का डेप्रिशिएशन है 50,000 रुपए, हम 50,000 रुपए यहां कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज करेंगे। फिर से बोलो बच्चों कितना चार्ज करेंगे? 50,000 रुपए, ठीक है? अच्छा, अब ऐसे समझ लीजिए, 5,00,000 रुपए की मशीन है जो 10 साल चलेगी, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से, 5,00,000 की मशीन है जो 10 साल चलेगी, जिसको कुछ दिनों के लिए यहां भी भेजा गया, 100 दिनों के लिए यहां भेजा गया, 100 डेज के लिए, 100 डेज के लिए यहां भी भेजा गया, और बचा कितना अब साल में? 165 दिन और, 165 दिन के लिए यहां भेजा गया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट में कितना चार्ज होना चाहिए आप बता सकते हैं? ध्यान से सुनिए, एक मशीन है 5,00,000 रुपए की जो कंपनी ने खरीदी, एक मशीन 10 साल चलेगी, और इस साल 100 दिन और 165 दिन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे इस मशीन को भेजा गया। तो सीधा सा पट्टा है कि अगर ये मशीन 10 साल चलेगी तो एक साल का खर्चा इसका 50,000 रुपए हुआ। अब
50,000 रुपए के खर्चे को भी तीनों कॉन्ट्रैक्ट में बांटना होगा क्योंकि ये मशीन तीनों जगह उपयोग हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो 50,000 रुपए का डिप्रिशिएशन है इसको तीन जगह एलोकेट कर देंगे, 100 डेज और 165 डेज में, यानी 50,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, कैसे डिवाइड होगा, 100:100:165, इस रेशियो में बांट दीजिए और अकॉर्डिंगली खर्चा चार्ज कर दीजिए। ठीक है, तो या अब खर्चा चार्ज करने का, अब एक बार के लिए अब ये छोड़ देते हैं, मान लीजिए एक ही जगह गई थी मशीन, ये तो समझ में आ गया खर्चा कैसे चार्ज होगा। अब एक ही जगह मशीन गई थी तो हम खर्चा कैसे चार्ज करेंगे, टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीन 50,000 रुपया, और या फिर एक दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं, इधर लिखिए टू प्लांट, जो प्लांट एंड मशीनरी गई थी, टू प्लांट एंड मशीनरी 5,00,000 रुपया, और इधर की तरफ लिख दीजिए बाई प्लांट 4.5 लाख, एक ही बात है। हम कहेंगे शुरू में जब हमने भेजा 5,00,000 रुपए के प्लांट तो हमने जोड़ दिया 5,00,000 रुपया, और जब आखिरी में साल के अंत में मैंने देखा कि 4,50,000 रुपए की प्लांट की वैल्यू बची हुई है तो हमने 4,50,000 रुपया कम कर दिया। अब देखिए यहां भी डेप्रिशिएशन चार्ज मोस्टली नहीं किया जाता है, डेप्रिशिएशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, आप कर सकते हैं, दोनों ही अलाउड है, लेकिन टेक्निकली करना क्या चाहिए, टू प्लांट पूरा पूरा एक बार चार्ज कीजिए। रीजन बीइंग कि जब साइट पे मशीनें जाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मशीनें पूरी की पूरी खराब हो जाती है, ठीक है, 10 साल लाइफ तो है लेकिन समझ में आता है कि वो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, वहां खराब हो गई, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस हालात में वो मशीन वापस दिखेगी साल के अंत में, ठीक है, क्योंकि काम करने वाले मजदूर हैं, साइट पे काम हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं, वी डू नॉट नो, मशीन खराब भी हो सकती है, ठीक है, और हो सकता है मशीन के हालात इतने गंभीर हो जाएं कि अब एक साल से ज्यादा और नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं ना 10 साल मशीन चलती है, साल भर बाद हमको समझ में आएगी अब 9 साल भूल जाओ, 1 साल और चलेगी बस, तो भाई फिर तो मशीन 2,50,000 रुपए की बची, 5,00,000 में से 1 साल खत्म, 1 साल और बचा, तो हम 2,50,000 रुपए का खर्चा चार्ज करेंगे। तो होता क्या है, जनरली करना क्या चाहिए कि जब प्लांट भेजा जा रहा है तो जितनी कॉस्ट का है भेज दीजिए, जब आखिरी में बचेगा तो जितनी वैल्यू का बचेगा वो लिख देंगे बाई साइड में, अकॉर्डिंगली चार्ज कितना हुआ डिप्रिशिएशन। क्लियर है बात इतनी, ठीक है, और बताइए आप। अब जैसे मान लीजिए साइट पे, हम बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट वन वाली साइट पे लेबर का पेमेंट हो चुका है 50,000 रुपए का, साइट वन का ही बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वन का लेबर का पेमेंट हो चुका है 50,000 रुपए का, और 10,000 रुपए की लेबर पेमेंट बाकी है, तो खर्चा कितना है, 10,000 रुपए की लेबर पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तो खर्चा कितना है, तो ऑब्वियसली आप खर्चे में चार्ज कीजिएगा 60,000 रुपए, 60,000 लेबर का खर्चा कितना चार्ज करेंगे, 60,000, राइट। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसा केस आता है कि लेबर कि पेमेंट हो चुकी है 50,000 रुपए की, जिसमें से 10,000 रुपए का एडवांस पेमेंट हो चुका है लेबर को, भाई साहब 50,000 की पेमेंट हुई है उसमें 10,000 रुपए का एडवांस हो चुका है, तो यानी लेबर का खर्चा गिरा अभी तक कितने का है, 40,000 रुपए का, 10,000 तो एडवांस दिला गया है ना लेबर को, ठीक है, तो खर्चा कितने का हुआ होगा अभी तक, 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए ही चार्ज होगा। क्लियर है, आई होप सबको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ में आ गया, एकदम पूरा ढांचा मेरे दिमाग में बैठ चुका है। बाई साइड में हम WIP लिखते हैं, इधर हम खर्चे लिखते हैं, और अगर कोई खर्चा कम करना है तो वो बाई साइड में लिख के कम कर देते हैं, ठीक है, जैसे मटेरियल भेजा हमने कुछ बच गया बाई साइड में लिख देंगे, ठीक है, लेबर वगैरह के केस में भाई जितना खर्चा लगा है वो लिखना है हमको, ऑब्वियस सी बात ये है, पेमेंट ज्यादा या कम हो सकता है अकॉर्डिंगली, हमें खर्चा चार्ज करना है, ठीक है, फिर कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो बांट बांट के हमको डालने होंगे, फिर जो डिफरेंस बच गया वो नोशनल प्रॉफिट है, वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, उसको हम नोशनल क्यों कहते हैं, कारण ये है कि भैया एक्चुअल प्रॉफिट तो तब पता चलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है तो हम तो अंदाज के बेसिस पर प्रॉफिट निकाल रहे हैं अभी,